और हम खड़े हैं इस टाइम इटली में, शैम्पोन द इटालिया। सफर खूबसूरत है मेरे भाई, मंजिल से बहुत सुंदर भाई, बहुत ही ज्यादा सुंदर सफर। बड़ी ही हसीन है। तो ये कूपरा है भाई, इस तरफ ऊपर चढ़ते हैं तो बारालाचा और जोजिला पास आता है ना, उस तरफ वाली फील आ रही प्रॉपर। और यार गर्मी इसी बुंडी पड़ा है लेकिन। ओ नेविगेटर गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज है कैनेडा इंडिया रोड ट्रिप का नेक्स्ट डे और हम हैं रेनवॉल्ड में और यहाँ का व्यू देखने लायक ही है भाई। ये है आज का व्यू और इस व्यू को यार अलविदा कहने का बिल्कुल हल्का सा भी मन नहीं कर रहा, लेकिन वही वाली बात है यार, ट्रिप तो कंटिन्यू रखनी है, आगे बढ़ना ही बढ़ना है। तो अब यहाँ से इस व्यू को थोड़ी सी देर निहार के तैयार व्यार होंगे, नीचे ब्रेकफास्ट व्रेकफास्ट करते हैं और फिर अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते हैं आगे। भाई होटल रूम को हम कह रहे हैं बाय, ये रहा भाई मैं, और चलते हैं नीचे यार चेकआउट वेकआउट मारते हैं। भाई यहाँ से कर दिया है चेकआउट और अब चलते हैं अपनी मंजिल की तरफ। भाई एक नंबर ब्यूटीफुल व्यूज़ और एक नंबर नज़ारे यहाँ के। यहाँ का टोटल अपने लगे 160 फ्रैंक्स, स्विस फ्रैंक्स, तो 166 फ्रैंक्स अपने अराउंड यार 15,000 रुपये के आसपास हुए। तो भाई वर्थ इट था पूरा पूरा ना यहाँ पर रुकना, 15,000 मतलब इतना सेक्सी व्यू, एकदम एक नंबर। और ये रहे भाई गाड़ी, आप लोग पूछ रहे थे कौन सी गाड़ी है, तो ये कूपरा है भाई, एक नंबर गाड़ी है, बहुत फ्यूचरिस्टिक दिखती है, एक नंबर दिखती है और यार बढ़िया है, सही चल रही है, एवरेज एवरेज सही दे रही है। और ये रहे भाई प्रधान जी, चलो चलें यहाँ से। चलो चलना कहाँ पर है, आगे चल लुगानो वगानों की तरफ चलते हैं। मैं भी सोच रहा हूँ लुगानो की तरफ चलते हैं, बीच में डीकैथलॉन देखा था, तो पहले डीकैथलॉन एक स्टॉप लेते हैं, फिर वहीं से लुगानो चलते हैं, कैंप साइट बुक करते हैं और फिर आज रात की कैंपिंग करते हैं लुगानो में। तो ठीक है भाई, अब चलते हैं लुगानो की तरफ और आपसे मिलते हैं रोड पर। चलो यार अब यहाँ से निकलते हैं, इन वादियों को थोड़ा सा अलविदा करते हैं थोड़े टाइम के लिए और दूसरी वादियों में जाते हैं। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है भाई ये स्विट्जरलैंड पूरा का पूरा ना। रात को हल्की हल्की सी ठंड हो गई थी बट सही था, मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, जो अपना होटल भी था काफ़ी पुराना कंस्ट्रक्टेड है, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। अब यहाँ से हम पहुँचेंगे, 1.5 घंटे की दूरी पर हमारे को जाना है लुगानो शहर। लुगानो शहर से पहले एक स्टॉप लेंगे जो कि पड़ेगा डीकैथलॉन में, और डीकैथलॉन से हम टेंट वगैरह और ये सब चीज़ें उठाएंगे क्योंकि आज रात की भाई कैंपिंग बुक कर रखी है। टू बी वेरी फ्रैंक, थोड़ा सा तो एक्सपेंसिव पड़ता ही है यार, जब आप होटल्स में आते हो 160 फ्रैंक्स का हमको ये पड़ा, मतलब 15,000 रुपये का एक रात का होटल पड़ा है, जो कि है एक्सपेंसिव अगर आप देखा जाए तो, क्योंकि ऐसे होटल्स अपने वहाँ पे इंडिया में मिल जाते हैं वही 3,000-4,000 के, और हाँ 3-4 हज़ार के मिल जाते हैं, बट भाई ये स्विट्जरलैंड है प्लस हाँ लोकेशन देखना यार कितनी लाइक ब्यूटीफुल थी, और प्लस यार वो बढ़िया उन्होंने बढ़िया गुड ब्रेकफास्ट कराया, डिनर भी इंक्लूड कराया इसमें, एवरीथिंग वाज इंक्लूडेड इन दिस। हाँ ये भी बात है कि हमारा डिनर वाज इंक्लूडेड इन 160 फ्रैंक्स, तो डिनर का कॉस्ट 30 फ्रैंक का हमने डिनर करा था, एक पिज्जा खाया था और फिर दो बियर ली थी। बियर भी तो ली थी भाई साहब, वही तो बात है। हाँ तो बढ़िया यार, ये पीक देख यार, ये वाली पीक हमारे रूम से दिख रही थी यार, मतलब इतनी ज़्यादा मेसमराइजिंग हमारी मॉर्निंग हुई है ना जिसका अंदाज़ा नहीं है। मैं वरुण से पहले उठ गया था और मैं काफ़ी देर विंडो के पास खड़ा रहा, जस्ट थिंकिंग अबाउट व्हाट्स हैपनिंग इन द लाइफ और आगे क्या करना है, बहुत सारी चीज़ें यार, बहुत ही ज़्यादा मज़ा, बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है यहाँ पे पहाड़ों में आके। और ये कितनी परफेक्ट सी लोकेशन है देखना, जैसे कि इधर रहने की जगह खेत वेत है, ये रोड रहा, ये नदी जा रही, इधर पहाड़ है। हाँ, और क्या चाहिए भाई। तो चलो यार 1.5 घंटे की ड्राइव है, आप लोग थोड़ा सा ड्राइव एंजॉय करो और हम लोग थोड़े से गाने सुन लेते हैं। गया कटी लाड़ करे मेरे छोरी वामवाले की, पानी पत्ती पानी पिया की पलवन। ओ यार फाइनली चढ़ चुके हैं पहाड़ों के अंदर फुल पावर और ये आ गए भाई अपने वही तिरछे तिरछे मोड़। और इनके तो अपन राजा हैं भाई, ये तो अपने मतलब फेवरेट है, बेस्ट थिंग एवर, टेढ़े रोड टेढ़े पार टेढ़े लोग हम। बढ़िया है, ऐसे लोग साइकिल वाइकिल लेके भी जाते हैं, बढ़िया तरीका है, मगर उतरने में आसान नहीं रहेगी, चढ़ाने में तो दिक्कत ही होगी साइकिल भाई। ये इलेक्ट्रिक साइकिल्स थी भाई। अच्छा हाँ वही, हाँ वरना थोड़ी बहुत तो चाहिए भाई, थोड़ी बहुत ना। नीचे हमारे क्या बोलते हैं होटल से भी काफी सारे लोग निकले थे, तो मैं सुबह देख रहा था, मैंने उनसे बात भी करी थी कि आप लोग कहाँ जा रहे हो, तो उन्होंने ये इसी पहाड़ की तरफ बोला था कि वहाँ आगे जाके एक वाइंडी रोड जाएंगे, वहाँ पर बहुत अच्छी हाइकिंग वगैरह है, तो ये लोग यहाँ पर ही आए होंगे, काफ़ी सारे दिख जाएंगे अपन को भी रोड पे। बढ़िया ज़िगज़ैग रोड है यार, मज़ा आ रहा है, कई दिन बाद दिखे ना, मतलब फोमो सा फील हो रहा है यार, जैसे मतलब यार फाइनली इतनी ऊपर आने के बाद ना ऐसा फील हो रहा है जैसे अपने वहाँ पर लद्दाख की तरफ ऊपर चढ़ते हैं तो बारालाचा और जोजिला पास आता है ना, उस
तरफ वाली फील आ रही प्रॉपर भाई, मतलब एग्जैक्ट व्यू है। अगर मतलब मेरे को कोई पुरानी फुटेज मिली ना तो आई विल डेफिनेटली शेयर, मतलब दोनों ना एक साथ डिट्टो ऐसा लगता है, बिल्कुल ही ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। बहुत सही। तो मतलब बेसिकली मैं इंडिया में ही घूम रहा हूँ भाई। पहाड़ मतलब तुझे पता ही है, पहाड़ हर जगह ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं। वो वाली बात है कि बस देश बदल जाते हैं, माहौल बदल जाता है, लोग बदल जाते हैं, लेकिन पहाड़ सेम रहते हैं मेरे भाई। ये तो है बट हर पहाड़ की अलग अलग कहानी भी है। वो तो है यार, मतलब हर जगह की स्टोरी है। जैसे यहाँ पर अब कभी आगे जाएंगे थोड़ा सा कोई लोकल एरिया दिखेगा, वहाँ बैठेंगे थोड़ा सा। कितनी सुंदर लेक है यार बीच में, 2066 मीटर्स की है ये। बढ़िया भाई। और ये पीछे अपने जैसे छोटा सा वो अपने वहाँ नहीं होते जैसे कैफे रेस्टोरेंट टाइप के छोटे छोटे अपने चाय कॉफी पीने के, वैसी प्लास्टिक के चेहरे लगा के बढ़िया फुल पावर मस्ती कर रहे हैं लोग। हाँ। पिएगा चाय कॉफी की? मैं ना अभी नहीं, अभी मैं अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचना चाहता हूँ। अच्छा, वैसे सफर खूबसूरत है मेरे भाई, मंजिल से भी बहुत सुंदर भाई, बहुत ही ज्यादा सुंदर सफर। ब्यूटीफुल नज़ारे हैं, एक नंबर व्यू है भाई। तो रुक गया, बोला भाई हर जगह रुकते रुकाते चलेंगे। मैं जल्दी किसी भी बात की नहीं है, क्योंकि घूमने निकले तो घूमते हुए जाएंगे, देखते हुए जाएंगे सारी तरफ। सामने देखो बढ़िया पीक वीक दिख रही है, बढ़िया हिसाब से एकदम एक नंबर। वहाँ रोड भी दिख रहा है, नीचे जाता हूँ जिगजैग करता हुआ, और जहाँ तक नज़र जाए भाई पहाड़ ही पहाड़, पहाड़ ही पहाड़। और वो खड़ी गाड़ी, वो खड़ा दिवांशु। यार कितनी ब्यूटीफुल लेक है, मतलब यहाँ पर अगर टाइम स्पेंड करने का मौका मिले तो कितना बढ़िया। और मेरे हिसाब से आगे ऐसी डेस्टिनेशन आती रहेंगी, क्योंकि अब हम चढ़ चुके हैं हार्ड कोर पहाड़ों में मेरे भाई, हार्ड कोर। ओ, वो देख भाई साहब, भाई मेरे को तार दे, मैं ना जा रहा। तू भी नहीं जाएगा मेरे ना? मेरे को भी तार दे, मैं अड़े ही रहूंगा, लगाता हूँ साइड में भाई। यहाँ कोई कमरा दिला पहले मैंने ना। अरे कोई साइकिल तो दुआ दे, इलेक्ट्रिक वाली, मैं चप चप करता हूँ चला जाऊंगा। दिलाऊंगा नॉर्मल दिलाऊंगा। हाँ, वैसे ही यहाँ पे जब से आया तुम्हारे साथ ट्रिप पे 10 किलो आधा हो लिया मैं, 80 किलो 70 का रह गया यार, कोई बात है। फाइनली यार अब थोड़ा सा जिगजैग रोड से अब सीधे रोड की तरफ आए, लेकिन भाई सीधा रोड भी उतना ही सुहाना है जितना सुहाना ये सफ़र है। सामने है माउंटेन, और ये बढ़िया सी बढ़िया कोई कासल वासल टाइप का बना हुआ था, और बढ़िया यहाँ पर मज़ा आ रहा है यार देखने में सारा नज़ारा भाई अपना, मतलब खोया ही तो हुआ है। अब तो शांत हो गए प्रधान जी थोड़े से, अब तो मज़ा आ रहा है। स्माइल चेक करो फ्रेंड्स, पहाड़ों में ले जाओ मेरे भाई को, ठंडा हो जाता है एक मिनट में। भाई रेनवर्ल्ड से निकले और हम आ चुके हैं सेंट एंटोनिनो, और ये है यहाँ से लुगानो से आधा घंटा ही दूर है। ये पीछे मेरे टेंट वेंट देख रहे हो, यही लेने आए हैं यार। सामने वो देखो, ये रहा डीकैथलॉन। डीकैथलॉन जाएंगे और अंदर जाके इनमें से कोई एक टेंट लेंगे। अभी डिबेट चल रही है भाई, या तो ये वाला लेंगे या तो वो वाला लेंगे। तो साइज़ और ये एक बार चल के अंदर एक बार देख लेते हैं कौन सा समझ आ रहा है। मेरे को तो ये अच्छा लग रहा है कलर यार, वाइट गंदा भी जल्दी हो गए। यही वाला ले लेंगे, ये ज़्यादा ठीक भी लग रहा है मेरे को। ठीक है ठीक है, पॉपअप टेंट है, जल्दी खुलेगा जल्दी बंद हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है किसी चीज की। दो लोग हम आराम से इसमें सो जाएंगे, काफी अंदर से काफी स्पेशियस है। और तीन तक सुला सकता है भाई ये। हाँ, ये देखना ऊपर से भले ही छोटा लगे बट बाप रे भाई स्पेस काफी है भाई, पूरा अपार्टमेंट है अंदर, एक नंबर, बहुत सही है। तो चलो भाई साहब अंदर चले, चलो। और यार पहाड़ी वाड़ी देखो, मतलब हर जगह ब्यूटी ही तो है भाई, स्विट्जरलैंड वाओ। अब आ चुके हैं डीकैथलॉन के अंदर, अब देखते हैं भाई यहाँ पर क्या है क्या नहीं है। एक टेंट लेना है अपने को, एक आधी मैट्रेस वैट्रेस लेनी है, एंड वी आर ऑल सेट। बाकी तो हमारे पास सारी चीज़ें हैं। दो चीज़ें ले भाई, एक तो ये टेंट लिया है, पॉपअप टेंट है, दो लोग आराम से सो जाएंगे। एक लिया एयर मैट्रेस, तो आराम से सो के बढ़िया हो जाएगा। बट 140 फ्रैंक्स का आया ये, 140 फ्रैंक आपके बहुत ज़्यादा हो गए। इंसर्ट करूँ? हाँ इंसर्ट करना पड़ेगा, टैप नहीं चलेगा। तू कर इसकी पेमेंट कर, तो यहाँ से चलते हैं और आगे। ये डीकैथलॉन था, इसको करते हैं अलविदा। आधे घंटे की हमारी और ड्राइव है, ये नीचे कोऑप करके एक ग्रॉसरी स्टोर है, वहाँ से कुछ ना कुछ खाने पीने का ले लेते हैं रात के लिए, एंड फिर इसके बाद आपसे मिलते हैं रोड पे। तो भाई यहाँ पर रुके थे थोड़ा सा तेल वेल भराने के लिए, 68 फ्रैंक्स का तेल डला। बढ़िया यार, तेल वेल तो कम ही पीते गाड़ी, बढ़िया है, एवरेज ठीक ठाक दे देती है। चलते हैं अंदर की तरफ, पे कर आते हैं इसको। क्या पंप नंबर है भाई? भगवान ही जाने पंप नंबर अंदर, वो बता देगा अपने आप, लिखा होगा देख इस पे 5 नंबर।
तो भाई पंप नंबर 5 तो अंदर चलते हैं। थोड़ी सी यार गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो गर्मी मारने का तो एक ही तरीका है, देखते हैं अंदर हो ना हो। आओ अंदर तो ठीक है मौसम, लेते हैं ऐसे कुछ सामान वामान। सो यार फाइनली आ चुके लुगानो शहर में, और भाई शहर की वाइब एकदम प्रॉपर टाउन जैसी है, जैसा होता है पहाड़ों में कि भाई चारों तरफ पहाड़ है, बीच में शहर है, ऊपर ऊपर घर बने हुए हैं, मस्त मजा आ रहा है देख के भाई। और यार गर्मी इसी बुड्ढी पड़ा है, लेकिन रात को ठंड हो जाती, दिन में थी गर्मी भाई साहब, मैंने तो बेरा ही ना की दिक्कत है। 34 डिग्री चल रहा है, 34 डिग्री भाई, बाहर नहीं उतरूंगा गाड़ी से बिल्कुल भी। आज कोई हाइकिंग वाइकिंग नहीं होगी जब तक शाम नहीं हो जाती, ठीक है भाई। और आप देख सकते हो मस्त एक नंबर व्यू आ रहा है भाई, चारों तरफ शहर है। और ये अपनी कैंप साइट है, यहाँ से 12 मिनट दूर रह गई है, वो है बिल्कुल लुगानो लेक पे। तो अब आपसे मिलते हैं कैंप साइट में। यार वैसे शहर तो बड़ा गुंजल है, बड़ा मैप ना ऐसे टेढ़ा मेढ़ा जा रहा है आज, तो पहली बार तू भी परेशान हो गया भाई। भाई मतलब परेशान क्या, ये मैप भाई मतलब मैं पहले मुड़ जाता हूँ, फिर उसके बाद मैप मेरा पीछे पीछे आता है। नेट स्लो चल रहा है ना, पूरा पूरा 5G आ रहा है यार, और क्या चलेगा भाई, दिस इज नो स्टारलिंक यू नो। अच्छा बस रहने दे। बाकी यार शहर बढ़िया है देख, प्रॉपर बसावट हो रखी है बढ़िया, एकदम एक लाइन से दूसरी लाइन तक पीछे तक बढ़िया हुआ है, लोग पीछे तक बसे हुए हैं भाई, एक नंबर मजा भाई। ये तो है, बाकी ये शहर ना मिलान से हार्डली 100 किलोमीटर भी नहीं है, तो यहाँ पे इटालियन कल्चर भी है, साथ ही साथ डच कल्चर भी है, दोनों का मिक्स है यहाँ पर पूरा का पूरा जो शहर बसा हुआ है। और यहाँ पर ज्यादातर टूरिस्ट आते नहीं है, तो टूरिस्ट नहीं आते, जैसे जो टूरिस्ट है यार वो जाते हैं अपनी मेजर अट्रैक्शंस पे। तो अपन मेजर अट्रैक्शंस छोड़ के थोड़ा सा इस ऑफ बीट लोकेशन पर आए हैं, ताकि यहाँ थोड़ा सा एक्सप्लोर करें, यहाँ का कल्चर देखें, और फिर शाम को थोड़ा सा शहर की परिक्रमा काटें। बाकी अब कैंप साइट पर मिलते हैं आप लोगों से। अगर बेसिकली अगर सारे आ जाएंगे हर लोकेशन पे, तो फिर रूसेराई कहाँ से रिपोर्ट करेगा, हर जगह दिखाएंगे, हर लोकेशन दिखाएंगे, ऐसी ऐसी जगहें जो तना सोची भी नहीं होगी, ठीक है। अब चल रहे हैं भाई कैंप साइट की तरफ, कैंप सेटअप करते हैं और शाम को हंडेंगे कैंप साइट पे। चलो, और बल्कि लुगानो शहर पे, लुगानो शहर पे आएंगे यार, अंदर आएंगे, यहाँ पे बहुत आ गया शहर, ये रहा कैंप साइट आ गई, वही कैंप साइट भी आ गई अपनी। चल भाई ये देख लो भाई, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर यहाँ का, और यहाँ पर हम मुड़ गए हैं कैंप साइट की तरफ। अब आ चुके हैं भाई 300 मीटर पे है, और ये रही भाई नदी इसके बगल में चल रही, एक नंबर मजा भाई। अंदर चलते हैं, चेक इन वेक इन करते हैं और मस्त मजा लेंगे भाई, कैंप सेटअप करते हैं। अभी तो सेटअप क्या ही करेंगे कैंप पे, तो पॉप अप है 2 मिनट में कर देंगे। पॉप अप तो 2 मिनट में कैंप खुलता है, वो भी देखना भाई, मतलब मिनट से पहले और सेकंड के बाद कैंप खुल के तैयार हो जाएगा हमारा, कोई टेंशन नहीं किसी चीज की, कोई जल्दबाजी नहीं किसी। रास्ता कितना बढ़िया है, लेकिन एक ही सिंगल गाड़ी गई है। आजा मेरे भाई इधर आ जा, तू घबरावे भाई, वो ठीक है भाई, घबराना भी चाहिए। देख लिया हैवी ड्राइवर दिवांशु सोलंकी, वाह वाह वाह, ये रहा भाई कैंपिंग लुगानो, कैंपिंग लुगानो लेक। सो बेसिकली लुगानो लेक है ये, बीच वाली है ना। अरे ये रे भाई साहब लेक, यही है अपनी साइट, एक नंबर। चल अंदर चलते हैं, चेक इन करते हैं और फिर मिलते हैं। रिसेप्शन इस साइड कह रहे हैं ये लोग, गाड़ी लगा के तू गाड़ी यहाँ पार्क कर ले। मैं गाड़ी यहाँ पार्क कर लेता हूँ, तू जाके रिसेप्शन पे जाके बात बात करके आ, एंड टिल दैट टाइम आई विल मीट यू हियर। जाओ ठीक है भाई, चलो फिर मैं करके आता हूँ चेक इन, तू गाड़ी वाड़ी पार्क कर और मिलते हैं अंदर की तरफ। पुलिस आ रही है, पुलिस आई, पुलिस आए भाई, तू पीछे हो ले, ये झपलेंगे तने भाई। कैंप साइट तो बहुत ही बड़ी और बहुत ही बढ़िया है, यहाँ पर रिसेप्शन है इस तरफ जाके, तो वहाँ चलते रिसेप्शन की तरफ। ओ बोरा बढ़िया है, लोगों ने मस्त टेंट वेंट लगा रखे हैं, कैंपर वैम्पर ले रखे हैं। यहाँ पर लोग महीने भर की भी कैंपिंग करने आते हैं, तो जो महीने भर की कैंपिंग होती है उसमें आप बेसिकली यहाँ पर 900 फ्रैंक्स में आप पूरे महीने यहाँ पर रुक सकते हो, पूरा एक स्पॉट लेके रह सकते हो, एंड आई थिंक दैट वुड बी मच बेटर अगर किसी को आराम से चिल विल मारना है तो। हमारे पास तो यार महीने भर का टाइम है नहीं, तो चलो रिसेप्शन पे चलते हैं और करते हैं चेक इन। यार मस्त सा शेर वेर बना रखा है इन्होंने, एक नंबर। और यहाँ पर अपने को साइट मिली थी भाई पहले ये वाली, यहाँ पर कहीं पर हाँ ये वाली साइट मिली थी, मैं बोला यार ये तो बहुत थर्ड क्लास सी लग रही है, तो इन्होंने हमें प्रीमियम सी साइट दी है यहाँ पर। और ये हमारा बिल बना है भाई 69 फ्रैंक्स, तो बढ़िया भाई मस्त यहाँ पे लगाएंगे अपना तंबू और अब रात बिताएंगे यहाँ पे बढ़िया। यार बहुत ज़्यादा धूप है, बोल रहे हैं कि आज वाला दिन जेन्युइनली बहुत धूप वाला है, तो हमारी ज़िंदगी में ठंड कब आएगी, कनाडा में ही थी ठंड भाई, यहाँ कहीं ठंडी नहीं मिल रही कहीं पे भी, बहुत बुंडी गर्मी भाई। भाई यहाँ तो पूरी बस्ती सी बसा रखी है लोगों ने, देख ले एक नंबर, मतलब लोग मेरे को लग रहा है महीने यहाँ तो कई कई सालों के लिए बसे हुए हैं ऐसा लग रहा है मेरे को तो। भाई यहाँ पे इससे ज़्यादा सस्ता कुछ मिल नहीं रहा होगा ना भाई, ये सस्ता है, ये $100 का पड़ा है एक दिन का।
बट इनके लिए सोचना 900 फ्रैंक्स, मतलब 900 फ्रैंक में अगर आप पूरी की पूरी अपनी फैमिली के साथ रुक रहे हो, देन आई थिंक इट्स वर्थ इट। हाँ मतलब वही वाली बात है, 900 फ्रैंक कितने, 1200-1300 डॉलर हो गए। $1300 में अगर यहाँ पूरे महीने के लिए मिल रहा तो रेंट के हिसाब से तो ठीक ही है, नॉट बैड। सारी फैसिलिटी है, किचन विचन भी है, सारी चीजें। एग्जैक्टली यार वरुण, तू मेरे को ना बिल्कुल गलत जगह ले आया। मैं ऑब्वियसली, और कौन, 770 यहाँ आ गए, हमारे को यहाँ जाना है। तो इस रोड पर मैं अपने आप ले जाऊंगा। ओ नेविगेटर, परेशान मत कर, देख ऐसे पड़े रहना चाहता हूँ मैं अपनी जिंदगी में आराम से। भाई अब यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं कैंप साइट पे, अब कर रहे हैं कैंप सेटअप। अब यहाँ पर भाई अपना तंबू गाड़ेंगे और मस्त उसमें बैठेंगे रात को, क्योंकि अभी तो गर्मी है, तंबू में बैठने की आग लग जाएगी उसके अंदर तो बैठे बैठे। रात को मौसम फिर भी ठीक हो सकता है। और भाई यहाँ पर अपनी गाड़ी खड़ी है, मस्त मज़ा आ रहा है यार यहाँ पर। अब थोड़ा सा बेटर होने लगा है एकदम से वेदर। मदद चाहिए क्या कुछ तेरे को? अच्छा मुझे लगा तहस नहस कर रहा है भाई तू इसको। और वैसे जब तक ये करता है मैं आपको बाकी सारी दिखाता हूँ आसपास है क्या। तो यार ये सारी अपनी कैंप साइट्स हैं, यहाँ पे लोग अपने अपने कई दिनों के लिए हिसाब किताब बना के बैठे हैं। ये तो ऐसा लग रहा है कई महीनों के लिए बसे हुए हैं। मैंने बताया भी था आपको कि महीने भर का हिसाब भी हो सकता है यहाँ पे। बढ़िया, आप महीने भर के लिए 900 फ्रैंक्स में यहाँ पर साइट ले सकते हो महीने भर के लिए। और अब हमारा तंबू खुल चुका है एंड वी आर ऑल सेट। तो कुछ कुछ ऐसा सेटअप हुआ है यार अपनी यहाँ पे, बढ़िया। इसको यहाँ पर अंदर चादर उधर डालेंगे, अपना मैट्रेस वैट्रेस डालेंगे। और ये व्यू है यार अपना एक नंबर यहाँ पे, बढ़िया। पीछे नदी वदी है, थोड़ा सा वॉक करके जाएंगे थोड़ी सी धूप कम होने के बाद। यार बड़ी जद्दोजहद के बाद मिली कैंप साइट, तो कैंप साइट सेटअप करके आए हैं। और यार इतनी बुंडी गर्मी पड़ रही है कि रूह से रहेगा तेल निकल गया। लेकिन ये है लगोना बीच, अब थोड़ी सी हवा सी चल रही क्योंकि पानी के पास आ गए हैं। चारों तरफ एल्प्स की रेंज है मगर ये डाउन साउथ है, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है, 35-36 चल रहा है इस टाइम पे। और बिल्कुल ही इटली के पास में है, तो और भी इसी के रीज़न हो सकते हैं गर्मी होने के, बिकॉज़ यहाँ पर इटली और स्विस कल्चर मिलता है आपको देखने को। तो यहाँ पे थोड़ा सा लैंग्वेज डिफरेंट हो जाती है लोगों की, खाना पीना थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, पिज़्ज़ा पास्ता ज़्यादा चल रहा है इस तरफ, तो भाई वही खाते हैं क्योंकि अब तो गर्मी लग रही है। भाई यहाँ से ले चल मेरे को कहीं पर, इधर देख लिया बहुत अच्छा, और एक बहुत अच्छा व्यू पॉइंट मिला है, वहाँ जाते हैं और वहाँ से रिपोर्ट करते हैं आपको। सो फाइनली उस व्यू पॉइंट पे आ चुके हैं जहाँ से दिखता है पूरा शहर और पूरा गांव, और इस पॉइंट का नाम है सैन सेल्वेटोर। मगर एक छोटी सी बीटी हो गई यार, कुछ दिन पहले यहाँ पर एक एक्सीडेंट हो गया इसलिए इन्होंने रास्ता बंद कर दिया ऊपर जाने का, वरना यहाँ से 2-1 किलोमीटर की हाइक थी, वेरी टफ। और कुछ एक्सीडेंट की वजह से बंद कर रखा है, हमने लोकल से पूछा यहाँ पे। मगर आप सामने चेक करो, सामने कितना मस्त गांव दिख रहा है ना आपको, वो इटली है मेरे दोस्तों। यार शहर घूमने में इतना मज़ा आ रहा है ना, लाइक कितना ब्यूटीफुल टाउन है प्रॉपर। यहाँ देखो रेलवे ट्रैक्स जा रहे हैं, बगल में प्रॉपर नदी है, और ये बढ़िया पहाड़ हैं, एक नंबर व्यूज़ आ रहे हैं यहाँ पे। और वो रहा भाई इटली, इटली भी जा सकते हैं हम लोग अगर चाहें तो, लेकिन अगर इटली गए तो फिर भाई मिलान और रोम तो जाना ही पड़ेगा भाई। इटली जाने का मतलब ही वही है, ट्रेन राइड लेगा क्या, गाड़ी से उतर जा फटाफट, ट्रेन में जा। अभी नहीं, साइड में लगा के उतरी है, ऐसे छोड़ देगा कोई मतलब है? यार ये तो कुछ कुछ वैसा रोड नहीं है कि जैसा अपना GTA खेलते वक्त आता है, वो मेलुगु वाला रास्ता। हाँ। गाड़ी भगाते जिसमें अपन जा जाके पहाड़ों के ऊपर। वही वही वही। और दोस्तों ये देखो, हम घुसने वाले हैं इटली में बस चंद सेकंड्स में। मतलब ये स्विट्जरलैंड के पास वाला इटली है भाई। स्विट्जरलैंड के अंदर एक ऐसा एक छोटा सा पार्ट है जो कि इटली में इटली का है, एंड उसके बाद जो एक्चुअल इटली है वो इससे और 14 किलोमीटर आगे पड़ती है। तो गाइस और 200 किलोमीटर के बाद ये कॉर्सो इतालिया, यहाँ से भाई इटली का बॉर्डर शुरू है, आपको सामने दिख ही रहा होगा। तो ये इटली का पार्ट है एक छोटा सा यहाँ पर जो स्विट्जरलैंड के अंदर पड़ता है। वेलकम टू इटली माय फ्रेंड्स। और ये देखिए इसने सारा बता भी दिया, इटली विटली आ गया यहाँ पर। हाँ इटली, गाड़ी बता भी दी है खुद की, भाई इटली आ चुके हो आप, तो देख लो ये रोड साइन और ये सारी चीजें यहाँ पर है। भाई ये इटली से ज्यादा तो मेरे को भाई GTA वाली सिटी ज्यादा लग रही है भाई। ऐसा ही है यार, सारा ही ऐसा बना रखा है इन लोगों ने। नहीं बढ़िया यार, यहाँ पर भी तू अगर चाहता तो यू कैन हैव सम इटालियन पिज़्ज़ा एंड ऑल, तेरा मन करे तो। इधर और उधर सेम ही पिज़्ज़ा मिल रहा होगा, एक नदी के इधर है, एक लेक के उधर है, एक लेक के इधर है। भाई ये पता है क्या है, वो वाला सीन है, ये वाली बात है, राम शाम वाली बात होगी। हाँ, सेम सेम ही है, बस ये इटली एक्वायर्ड है क्योंकि इटली को ऑब्वियसली बात है एल्प्स रीजन में एक डेस्टिनेशन होम चाहिए होगा, तो उन्होंने झप लिया ये स्विट्जरलैंड से कि तुम भाई बहुत टूरिज्म से कमा रहे हो, थोड़ा हम भी चापेंगे। हाँ थोड़ा टाउन पैदल घूमना चाहेगा?
गर्मी कितनी? ओ भाई 35 डिग्री मत जी। बिल्कुल ना निकलूं भाई बाहर। तो यार दोस्तों अब यहाँ पर इटली में आ चुके हैं, तो अब इटली में थोड़ा घूमते हैं यार, देखते हैं ये वाला इटली कैसा है, वो वाली इटली, वो वाली बात होगी। ये तो अपने थोड़ा सा साइड में घेरा हुआ इटली है, इसको दिखाते हैं। ओ भाई सामने देख, वहाँ चले नीचे, वन वे स्ट्रीट है, बट हाँ यहाँ से जा सकते हैं, यहीं से वहीं से जाएंगे, वहीं से वापसी आएंगे। इस आइलैंड से इटली से उस तरफ जाने का रास्ता नहीं है, यहीं से आपको वापसी यू टर्न लेके ही वापसी जाना पड़ेगा जहाँ से हम आए हैं, देख रहा है। अच्छा तो ये बेसिक हल्का सा आइलैंड बना रखा है। हाँ, तो खत्म भी कर दिया आइलैंड हमने, खत्म सा हो गया ये, उस तरफ नहीं जा सकते आप, यहाँ तो कुछ है नहीं, बस ये हो गया खत्म। और व्यू आया यहाँ से तो एक नंबर वाला। हाँ देख रहा है। नहीं नहीं चल चल आगे, यहाँ पर एक व्यू पॉइंट है नीचे नीचे नीचे। चलो भाई इस व्लॉग में आपको हमने इटली भी घुमा दिया, और क्या चाहिए बताओ। गुड प्लेस टू चिल एंड रिलैक्स। यप लगाता हूँ यहाँ पे साइड में कहीं ना कहीं गाड़ी लगाता हूँ, यहीं लगा देते हैं बल्कि। अरे वाह ये पॉइंट मिला ना एक नंबर भाई, वाह ये देखो यार एक नंबर जगह। हम लोग उस तरफ थे थोड़ी देर पहले, वो है स्विट्जरलैंड, ये है इटली, और हम है रूसेरा ही। एक नंबर जगह भाई, मतलब पहाड़ों पे ऐसे छोटे 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 घर बना रखे और एक नंबर लग रहा है भाई, मस्त मज़ा आ गया यार आज यहाँ पे आके ना, मतलब कि दो दो कंट्री घूम ली और पता भी नहीं चला, मतलब हार्डली 10 मिनट भी नहीं लगे हमें क्रॉस करने में, और वापस 5 मिनट में उल्टे, तो बढ़िया है भाई, मस्त मज़ा आ रहा है। ये देखो भाई को चलता हुआ आ रहा, खुश होता हुआ, कैसीनो। तो ये कौन सी कंट्री होगी, 10th होगी भाई एक हिसाब से अगर देखा जाए तो। एक हिसाब से क्या भाई, पूरा पूरा देश है लिखा है वेलकम टू इटली, ऐसे कैसे भाई। कितना साफ पानी है यार नीचे देख, बिल्कुल क्लियर वाटर। तो भाई उस तरफ तो गंदा पानी है। यही ठीक है, इसलिए इन्होंने रखा है, बोला हम साफ रखेंगे, तुम्हारे बस की ना है भाई, तुम्हारे पास टूरिस्ट ज्यादा आता है भाई, तो वही भाई आते हैं तुम जैसे कुछ लोग जो गंद मचाते हैं यहाँ पे बहुत ज्यादा। हाँ हाँ तेरे को छोड़ के जाऊंगा यहाँ पे तो ही तो गंद मचेगा, साथ लेके जाऊंगा गंदगी, तो हम साथ लेके निकलेंगे यहाँ से। सही बात है। और ये देख कितना बड़ा कैसीनो है, कुछ खेलना चाहेगा क्या? ना ना मैं इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं रखता। हाँ तुम तो लड़ाई झगड़े में विश्वास रखो सिर्फ। यहाँ से टाउन देखने का अलग ही नज़ारा है ना। वही मैं समझ रहा था कि यहाँ से कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, और हम वहाँ कहीं थे, वहाँ से हम यहाँ उड़ते उड़ते आए हैं, 10 मिनट में इटली, 5 मिनट में वापस स्विट्जरलैंड। दिस इज कॉल्ड लाइफ। वाह वाह नज़ारे भाई। भाई पूरा का पूरा लुगानो शहर है, मेरे को सच में अभी तक विश्वास नहीं हो रहा कि इतना बड़ा शहर है। बिल्कुल पहाड़ों के बीच में बसा हुआ बहुत बड़ा और बहुत ही ज्यादा मतलब अमेजिंग शहर है। इसको कहाँ से हम एक दिन में एक्सप्लोर कर लेंगे यार भाई। किसी भी चीज को आप एक दिन में एक्सप्लोर नहीं कर सकते, आपको जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। वो तो बोलने की बात है कि नहीं नहीं बस डेस्टिनेशन टिक मार्क करने नहीं आ रखे, हर बार यही बता रहे हैं भाई कि डेस्टिनेशन टिक मार्क करने नहीं आए, देखेंगे हर जगह जाएंगे। अब ये जगह अच्छी लगी तो भाई यहाँ उतर गए थोड़ी देर, अब यहाँ मजा ले रहे हैं भाई। आज का दिन था बहुत ही इवेंटफुल, आज हमने पहाड़ भी देख लिए, नदी भी देख ली, बीच भी देख लिया, और अब इससे ज़्यादा क्या ही देख सकते हैं, तो दो देश भी देख लिए भाई, वो रहा स्विट्जरलैंड और हम खड़े हैं इस टाइम इटली में, शैम्पोन द इटालिया। और ये भाई 1861 में जब इटली का यूनिफिकेशन हो रहा था, तब ये वाला जो हिस्सा था इसको यूनिक स्टेट मिला था स्विट्जरलैंड में, कि भाई ये स्विट्जरलैंड में होते हुए भी इटली का ही पार्ट रहेगा। एंड लुक हाउ ब्यूटीफुल इट इज़ भाई साहब, मतलब इस तरफ का तो पानी भी हरा है, एक नंबर भाई, पानी इतना क्लियर है, बहुत बढ़िया वेदर है, बहुत बढ़िया, मतलब बढ़िया तो नहीं कह सकते, थोड़ी सी गर्मी है लेकिन कोई बात नहीं यार, पानी के पास है, मैं भी इस वजह से गर्मी हूँ। और कल आएगा इससे भी ज़्यादा मज़ा, क्योंकि कल हम जा रहे हैं लिंट की फैक्ट्री में, क्योंकि स्विट्जरलैंड फेमस है अपनी चॉकलेट्स के लिए, और भाई स्विट्जरलैंड आके चॉकलेट नहीं खाई वो भी लिंट की, तो फिर आपने क्या ही किया स्विट्जरलैंड आके। और वो पीछे है मेरे लगानो शहर, तो उसको कहते हैं अलविदा। अब आपसे मिलते हैं अगले व्लॉग में, टिल देन बाय, सी यू, टेक केयर एंड अपना सपोर्ट बनाए रखें यार। हम लोग बहुत ज़्यादा कुछ अपना ट्राई कर रहे हैं ट्रिप में, कुछ डिफरेंट डिफिकल्टीज के बाद भी वी स्टिल आर ट्राइंग, एंड वी आर रूसेराई, और ये है इटली। सी यू, बाय।